नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस मैक्रोनी। मैक्रोनी की जगह आप पास्ता वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, मैदा, रिफाइंड ऑयल, मैक्रोनी, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटी हुई, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, काली मिर्च, नमक और पानी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें, गैस ऑन करें, इसमें डालें पानी। पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब इसमें एक बॉईल आने पर हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे मैक्रोनी। अब इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी वेजिटेबल को फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई पैन रखें। कढ़ाई पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दें। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करना। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गैस को कर दें ऑफ। गैस पर कढ़ाई पैन रखें, कढ़ाई पैन को गर्म होने। कढ़ाई पैन हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें डालें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या बटर। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दें। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालिए मैदा, इसे करना अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालें थोड़ा थोड़ा करके दूध, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। मैक्रोनी हमारी उबल चुकी है, अब इसे हम छान लेंगे, इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। बन चुकी है, अब इसमें डालेंगे अपनी फ्राई सब्जियां, प्याज, शिमला मिर्च, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालेंगे हम ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे हम डालेंगे उबली हुई मैक्रोनी, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब करेंगे अच्छे से मिक्स। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, और अब इसे थोड़े से पकने देंगे। मैक्रोनी हमारी बन चुकी है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। अब
अब ऊपर से हम गार्निश के लिए ऑरेगानो डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। व्हाइट सॉस मैक्रोनी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।